हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। विटामिन को हम लोग थियोरिटिकली कंप्लीट विटामिन को कवर करेंगे। इसका मतलब है यदि आप इस आधे घंटे के लेक्चर को देख लेते हैं तो विटामिन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हम लोग यहाँ पे विटामिन के बारे में हर चीज़ों को बताएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे और जो रटने वाली बातें हैं उसको हम लोग ट्रिक से कंप्लीट आपको रटवाए जाएगा। मतलब यही है कि आपको विटामिन से देखिए कुछ फिक्स्ड पैटर्न है क्वेश्चन के आने के। विटामिन के दो तीन सेक्शन है, जैसे कि आपको रासायनिक नाम याद रखना है वो जो कंपलसरी हो जाता है, फिर उसका स्रोत कोई भी विटामिन है उसका स्रोत क्या है, फिर उसके कमी से कौन सा बीमारी होता है। ये तीन चीजें हर विटामिन के बारे में आपको ध्यान रखना है और कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्रोत भी सारा याद नहीं रखना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, वो चीजें मैं दिखाऊंगा और कंप्लीट डिटेल में थ्योरेटिकली। आज मेरा ये पहला लेक्चर है इस चैनल पे, तो आपको कैसा लगेगा वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे इसका स्लाइड चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसके टेलीग्राम मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि विटामिन होता क्या है। विटामिन मतलब हुआ कि विटामिन आखिर है क्या, तो एक कार्बनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? कार्बनिक कंपाउंड है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक होता है। देखिए, मेटाबॉलिज्म कहने का अर्थ यह हुआ कि शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, या तो दो चीज़ें जुट रही हैं एनाबॉलिज्म, या तो दो चीज़ें टूट रही है कैटाबॉलिज्म। यदि जुटने वाले को एनाबॉलिज्म कहते हैं, कोई भी टूटता है तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे बॉडी में जो भी रासायनिक जैव प्रक्रियाएँ हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है? विटामिन का। और विटामिन है क्या? एक तरीके का कार्बनिक कंपाउंड है। देखिए, विटामिन को हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता है, ठीक है? इस कारण से हमको विटामिन की कमी किससे पूरी करनी पड़ती है? भोजन के स्रोत के द्वारा लेना पड़ता है। अभी तक आप क्या समझे? विटामिन है क्या? एक कार्बनिक कंपाउंड है। यह किस क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे शरीर क्या विटामिन को खुद से बना पाती है? जी नहीं। विटामिन हमारे शरीर को कैसे पूर्ति करती है? तो भोजन के द्वारा पूर्ति करती है। लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं जिसको हम लोग भोजन के द्वारा भी पूर्ति कर सकते हैं और हमारा शरीर भी बना सकता है, जैसे कि विटामिन डी एंड विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के है जो कि हमारा शरीर खुद भी बना सकता है, ठीक है? अब विटामिन से मेनली क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ से कि वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और वसा में घुलनशील कौन सा है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जल में घुलनशील विटामिन मात्र दो गो है, वो कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कहने का अर्थ है विटामिन बी का जितना भी टाइप है सब क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। तो बी सी ये दोनों जल में घुलनशील है। और वाटर फैट सोल्यूबल कौन कौन सा है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। चार गो जो विटामिन है वो फैट यानी वसा में घुलनशील है। इसका ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, ए डी ई के, एडेक। एडेक नाम से याद रखिए कि एडेक जो भी होता है वो फैट सोल्यूबल होता है। और ऐसे भी जल में घुलनशील मात्र दो है, बी और सी, ठीक है? चीजें को आप लिख लिख के जो भी इंपॉर्टेंट बातें लिख के आप रख लीजिए, जैसे कि फैट सोल्यूबल कौन सा है, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, ठीक है? चलिए अब हम लोग विटामिन के डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि विटामिन को डिस्कवर किसने किया था। तो विटामिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे फंक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन को डिस्कवर किया था, ठीक है? अब वाटर सोल्यूबल विटामिन मैंने समझा दिया कि बी और सी विटामिन क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और ए डी ई के क्या है, फैट सोल्यूबल है। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टोर नहीं किया जा सकते, मतलब हमारा शरीर में वाटर सोल्यूबल विटामिन को स्टोर नहीं किया जा सकता है, यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। देखिए, जब कोई चीजों को स्टोर ही नहीं कर पाएंगे हम, तो उसको हम लोग शरीर में ज्यादा कैसे रख पाएंगे, ज्यादा देर तक कैसे रख पाएंगे? ज्यादा देर तक चीजों को रखने के लिए उसे स्टोर करना पड़ता है। लेकिन फैट सोल्यूबल जो होता है वो हमारे शरीर में स्टोर किया जा सकता है। तो यही बोला है, फैट सोल्यूबल हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं, यह फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। ध्यान रखिए कि फैट सोल्यूबल विटामिन जितने भी है वो कहां स्टोर होते हैं? तो फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं, ठीक है? और फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों या महीनों तक भी रह सकते हैं। तो क्या क्लियर हुआ बातें? देखिए, इस स्लाइड में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात कि विटामिन का खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था? तो फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। फिर वाटर सोल्यूबल कौन कौन सा है? तो बी और सी विटामिन क्या है? वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल कौन कौन सा है? तो विटामिन ए डी ई के, ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्या वाटर सोल्यूबल को स्टोर किया जा सकता है? कौन सा विटामिन जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता है? तो वह है
वाटर सोल्यूबल विटामिन, और वाटर सोल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल आपको याद है। बी और सी विटामिन क्या है? वाटर सोल्यूबल है, जिसको कि स्टोर नहीं किया, देखिए पानी में घुलनशील है, जिस कारण से हम इसको स्टोर नहीं कर पाते हैं और ये हमारे शरीर में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। लेकिन जो फैट सोल्यूबल है वो हमारे शरीर इसको स्टोर कर सकता है और फैटी टिश्यू में स्टोर करता है। कहाँ पे? वसिया उत्तक में इसको स्टोर करता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर में बहुत दिन तक रह पाएंगे क्योंकि इसको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरीके से हर विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है। टोटल कितने विटामिन की जरूरत है हमें? 13 प्रकार के विटामिन की जरूरत है। उसमें से सबसे पहला है विटामिन ए। और विटामिन ए में हम बात करें कि उसका क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका रेटिनॉल रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। पहले चीज़ों को देख लीजिए, फिर रटने के लिए मैंने ट्रिक बनाया है जो कि आपको वीडियो के लास्ट में ट्रिक पता चल जाएगा। पहले देखिए क्या क्या पढ़ना है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनोल होता है। ये फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल विटामिन मैंने एक इकट्ठा एक जगह बता दिया है, क्या क्या? ए डी ई के, एडेक नाम से बताया था ना। एडेक क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। तो ए डी ई के जहां भी आ जाए वो फैट सोल्यूबल होगा। क्लियर? और इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है कि हमारे मांसपेशियों और हड्डी को मजबूती ताकत देना, ये खून में कैल्शियम के संतुलन को बनाए रखता है। देखिए विटामिन ए का मेनली काम है कैल्शियम का संतुलन बनाए रखना और हड्डियों और मांसपेशियों का काम करना। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मुख्य काम से इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं क्वेश्चन आता है वही बताऊंगा। ठीक है, तो विटामिन का जो क्वेश्चन आएगा कि विटामिन ए के कमी से होने वाली बीमारी कौन सा है, तो वो आंखों के रोग होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। ठीक है, और इसका मुख्य स्रोत क्या है? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, ये सब क्या होते हैं? विटामिन ए के स्रोत होते हैं। ठीक है, हर विटामिन को मैं ऐसे कवर करूंगा, जैसे ये सब मोटा मोटी मैंने पढ़ लिया, समझा दिया आपको, लेकिन अब है कि क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो भैया रेटिनोल होता है। क्या विटामिन ए फैट सोल्यूबल है? जी हाँ, फैट सोल्यूबल है। विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो आंख का रोग होता है जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं। और इसका मुख्य स्रोत, बहुत कमी चांस है कि पूछे, मुख्य स्रोत इसका दूध, अंडा, पनीर, सब्जी, ये सब होता है। और सबसे ज़्यादा इसका मेन सोर्स है तो गाजर। क्या? गाजर इज द मेन सोर्स ऑफ कैरेट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है तो वो कैरेट में यानी गाजर में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए में इतनी ही बातें याद रखनी है। अब हम लोग आते हैं विटामिन बी के। तो विटामिन बी का भी देखिए, विटामिन बी का कई प्रकार है। क्या है? कई प्रकार है, हम उसको बांट सकते हैं जैसे कि B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, B12। ठीक है, देखिए चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि इस तरीके से क्या नहीं होता है सीक्वेंस में, एकदम B1, 2, 3, लेकिन 4 नहीं होता है, ध्यान में रखना है। B4 नहीं होता है, फिर 5, 6, 7, फिर 8 नहीं होता है। ठीक है, फिर 12, मतलब 4 और 8 नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। और टोटल कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्रकार का विटामिन बी होता है। वो कौन कौन सा है? तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ठीक है, अब हमको विटामिन B1 के बारे में सबसे अच्छे तरीके से पढ़ना है, और फिर विटामिन B2, हर विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा बात याद रखना है, पूरा पूरा एकदम याद नहीं रखना है, लेकिन जो जो याद रखना है मैं वो कराते चलूँगा। सबसे पहले बता दूँ कि विटामिन बी को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो आपको पता चल गया 8 भाग में बांटा गया है। जी हाँ, 8 भाग में बांटा गया। वो कौन कौन सा है? तो एक बार आप बोलेंगे B1, B2, B3, लेकिन B4 नहीं, फिर B5, B6, B7, फिर B9, B12, इस तरीके से विटामिन बी को बांटा गया है। अब हम लोग विटामिन B1 के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या? थायमिन। और जितने भी विटामिन बी हैं वो सभी क्या है? वाटर सोल्यूबल है, क्योंकि आपने शुरुआत में ही बताया, पढ़ाया है मैंने कि विटामिन क्या कहते हैं, जो बी और सी है, कौन कौन सा? विटामिन बी और सी क्या है? वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील है। ठीक है, और इसके कमी से होने वाली रोग क्या है? तो बेरी बेरी रोग नाम का जो रोग है वो विटामिन B1 के कमी से होता है। किसके कमी से? विटामिन B1 के कमी से। ठीक है, मेनली इससे दो ही क्वेश्चन आएगा। विटामिन B1 के क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और इसके कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? बेरी बेरी रोग कहते हैं। और भी डिटेल, इसका मुख्य काम ये क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, ये सब आप PDF से खुद भी पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। मैं चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा।
और जो इतने रासायनिक नाम बताऊंगा उसके ट्रिक हैं लास्ट में, तो आपको ट्रिक से हर चीज़ याद हो जाएगा, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। तो विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है, और ये भी विटामिन बी के अंतर्गत है, इसलिए ये भी क्या होता है? वाटर सोल्युबल होता है, ठीक है। और इसके कमी से मेनली त्वचा से रिलेटेड बीमारी होती है। किससे रिलेटेड बीमारी? त्वचा से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो विटामिन बी टू से ही का होता है। और विटामिन बी टू का काम क्या है? त्वचा को अच्छी रखना। त्वचा को मेनली स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी होता है, इंपॉर्टेंट विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन बी टू, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए रासायनिक नाम विटामिन बी का ज्यादा ब्रॉड प्रेस्पेक्टिस नहीं है, जैसे कि विटामिन बी वन के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका आएगा, इसके कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, और इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, बस ज्यादा से ज्यादा इतना आएगा। फिर उससे क्या आएगा? विटामिन बी टू से, बी टू से आएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और देखिए क्वेश्चन किसी तरीके से आ सकता है, लेकिन जरूरत पड़ेगा किसका? तो रासायनिक नाम का। और इसका काम क्या है? तो त्वचा के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, और इसके कमी से भैया जब त्वचा के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसका कमी से क्या होगा? त्वचा हमारा फटने लगता है या फिर खराब होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं विटामिन बी थ्री के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और ये भी क्या है? वाटर सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल मतलब कहने का समझ गए ना, क्योंकि मैंने बताया है कि बी और सी विटामिन क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, क्लियर। विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन है, और ये वाटर सोल्यूबल है, इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, बाल जो सफेद होता है वो किस विटामिन के कमी से, क्या उसमें विटामिन का कोई रोल होता है? जी हाँ, विटामिन बी थ्री के कमी के कारण से भी बाल सफेद होता है। मंद बुद्धि होना ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये सब और भी चीजें हैं, लेकिन मैं जो चीज को गोल घेर रहा हूं उससे क्वेश्चन ज्यादा बनने का चांस है। विटामिन बी थ्री का क्या रासायनिक नाम होता है? नियासिन होता है। ये वाटर सोल्यूबल है, और इसके कमी से बाल सफेद होने वाली बीमारी ज्यादातर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी4, एक सेकेंड, बी4 विटामिन तो नहीं होता है, विटामिन बी5 के बारे में हम लोग बात करते हैं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड, और ये एक वाटर सोल्यूबल है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल बी और सी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल है, और इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। और मुख्य काम क्या है इसका? मुख्य काम है बालों को स्वस्थ रखना तथा सफेद होने से बचाना, भी काम क्या है? विटामिन बी5 का भी काम है यही चीज, और विटामिन बी3 का भी यही चीज था, बालों को सफेद होने से बचाना। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या आएगा कि विटामिन बी5 के होने कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो पेलग्रा नाम का बीमारी होता है, जो कि पेलग्रा बीमारी है वो किसके कारण होता है? विटामिन बी5 के कमी से होता है। और 4D सिंड्रोम बीमारी भी किसके कमी से होता है? विटामिन बी5 के कमी से होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन। क्या होता है? पाइरिडॉक्सिन। ये भी एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, और इसकी कमी से होने वाली बीमारी आपको ध्यान में रखना है कि विटामिन B6 से होने वाली कमी कौन सी है? तो अनीमिया और त्वचा रोग, ये सब रिलेटेड बीमारी क्या होती है? विटामिन B6 के कमी से होती हैं। तो विटामिन B6 के कमी से क्या होती है? अनीमिया होती है, और तथा त्वचा रोग से भी रिलेटेड बीमारी होती है। देखिए ये सब चीज़ों का रासायनिक नाम ही से ही मेनली क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन है, और ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? इसका भी काम वही है, त्वचा और बालों के लिए अच्छा होता है। देखिए विटामिन बी मैक्सिमम हमारे त्वचा और बाल के लिए ही होता है, ठीक है। और इसके कमी से होने वाला रोग, जैसे कि एक फेमस रोग है लकवा बीमारी, लकवा मारने का कारण भी यही होता है कि विटामिन B7 की भी कमी हो जाती है, जिस कारण से। लेकिन आपको इससे विटामिन B7 के कमी से आज तक क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है, और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और इसके कमी से क्या चीज़ होता है? लकवा बीमारी होता है। इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट बात पे आते हैं, विटामिन B9 के बारे में। तो विटामिन B9 जो होता है, ये इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। क्या है? रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, और इसका, ये भी एक वाटर सोल्यूबल है, और इसका भी काम क्या होता है? त्वचा के रोग तथा गठिया के उपचार। गठिया बीमारी होता है ना, जोड़ों में जो दर्द हो जाता है उसको हम लोग गठिया कहते हैं। तो जी हाँ, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है कि गठिया के उपचार में होने वाला विटामिन कौन सा है यूज, तो विटामिन B9 होता है, और गर्भवती महिलाओं के लिए लेने के लिए सलाह दी जाती है, और गर्भवती महिला को
स्पेशली विटामिन B9 का टैबलेट वगैरह भी दिया जाता है, ठीक है। और इसकी कमी से भी मेनली वही सब बीमारियां हैं जैसे कि अनीमिया वगैरह। तो आपको बीमारी विटामिन बी के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, सीधा आपको रासायनिक नाम ध्यान रखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन रासायनिक नाम से ही बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामाइन। क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। और ये एक क्या है? वाटर सोल्युबल विटामिन है। और याद रखिएगा साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 का जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है? कोबाल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और ठीक है, इसके कमी से भी वही अनीमिया वगैरह बीमारी होती है। अनीमिया यानी खून की कमी, मुंह में अल्सर, देखते हैं मुंह में जो मुंह आ जाता है, मुंह में घाव वगैरह होना, तो विटामिन B12 के कमी के कारण ही होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम लोग क्या क्या हुआ, विटामिन बी खत्म हो गया, अब हम लोग विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम? स्कॉर्बिक एसिड होता है। और ये भी क्या है? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, क्योंकि मैंने बताया कि विटामिन बी और सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये मेनली हाँ, इसके कमी से होने वाले रोग बहुत पूछे जाते हैं कि स्कर्वी और मसूड़े का फूलना विटामिन सी के कमी के कारण होता है। किसके कारण? स्कर्वी और मसूड़े का फूलना, इसका क्या कहते हैं, क्या है इसके कमी के कारण होने वाला रोग है। और इसका स्रोत पूछा जाता है, इसका स्रोत पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी का स्रोत जितने भी खट्टे चीज हैं, जितने भी खट्टे हैं वो क्या है? अब क्या अचार भी विटामिन सी का स्रोत होगा? जी नहीं, अचार वो नहीं होता है। जो भी नेचुरली खट्टा हो उसको खट्टा बनाया नहीं जाए, वो नेचुरली खट्टा हो तो उसको हम लोग विटामिन सी का स्रोत मानेंगे। जैसे कि नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, और ब्रोकली में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, ठीक है। लेकिन ब्रोकली तो खट्टा नहीं है, तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल बातें हैं, ठीक है। मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर खुद भी बना सकता है, और ये भोजन के स्रोत से भी लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और ये क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए डी ई के, ये चारों क्या हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन है, ओके। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और ये हमारे शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है, तथा इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करने में मदद करता है, दांतों को सड़ने में कम करता है। देखिए विटामिन डी का जो मुख्य काम है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये चीज़ें विटामिन डी के बारे में पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि विटामिन डी का काम क्या है? कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है, और दांत को सड़ने से बचाता है, ठीक है। विटामिन डी और हड्डी को, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके हमारे हड्डी को मजबूत बनाता है। क्या चीज को बनाता है? हड्डी के मजबूत होने के लिए कैल्शियम का होना जरूरी है, ठीक है। फिर इसके कमी से होने वाला बीमारी को हम लोग रिकेट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में सूखा रोग कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए विटामिन डी के बारे में आपको डिटेल में बातें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम भैया कैल्सीफेरॉल होता है। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और दांतों को सड़ने से बचाता है, ठीक है। फिर इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग है, जिसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। और विटामिन डी को, विटामिन डी बनाने का काम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको हमारा शरीर खुद भी बना सकता है। तो वो कैसे बनाता है? जब आप सूर्य के प्रकाश में खड़े होते हैं, आपको पता होगा कि विटामिन डी का बेस्ट सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश में जब आप खड़े होते हैं, तो उसमें से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो उस हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो फिर विटामिन डी को बना पाता है, ठीक है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। और दूध, अंडे वगैरह आप खाते हैं तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का अब हमारा रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल। क्या होता है? टेकोफेरॉल। और इसका भी रासायनिक नाम के टेकोफेरॉल है। और ये भी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और इसकी कमी जिसको हो जाती है, उसमें रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी बहुत कम हो जाता है,
है, मतलब वो जनन शक्ति खो देता है, जनन शक्ति कम हो जाता है। इसलिए विटामिन ई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। विटामिन ई क्या है, एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। और क्या ये विटामिन ई क्या है, फैट सोल्यूबल है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसके कमी से होने वाली बीमारी क्या है, मेनली जनन शक्ति में कमी आ जाती है, ठीक है। और जिन लोगों को किसी भी प्रकार का लीवर रोग होता है उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे लास्ट विटामिन है हमारा विटामिन के। ओके, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है, फिलोक्विनोन। और ये भी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, तो ए डी ई के, ठीक है। ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। ओके, और वाटर सोल्यूबल कौन सा है, बी सी। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल पे बनता है। ओके, फिर विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, तो फिलोक्विनोन, ठीक है। और ये हमारा किसके लिए काम आता है, तो हड्डियों और उत्तकों में प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है, ठीक है। और मेन काम क्या है, इसके कमी से हमारा क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनने लगता है। रक्त का थक्का के कहते हैं, एक सेकेंड, इसके कमी से जिसको भी विटामिन के की कमी हो जाती है उसमें रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। जैसे कि किसी को हाथ में कट लगा, छोटा सा कट के कारण बहुत ज़्यादा देर तक खून बहना, ये भी एक विटामिन के का क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में विटामिन के भी काम करता है। मुख्य स्रोत टमाटर और हरी सब्जियाँ है, मुख्य स्रोत से बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब है हमारा लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक हमने चीज़ों को देख लिया कि किस तरीके से विटामिन के बारे में क्या क्या मोटा मोटी बातें याद रखनी है, लेकिन अभी से आप 5 से 10 मिनट तक एकदम वीडियो में लगातार बने रहिए, तो क्योंकि यहां पे अब हम लोग ट्रिक पे बात करने वाले हैं, किस तरीके से मैं कंप्लीट विटामिन के रासायनिक नाम को आपको याद करवा दूंगा, केमिकल नेम ऑफ विटामिन, ठीक है। देखिए सीक्वेंस में तो आप ध्यान में रख सकते हैं ना कि कुल 6 प्रकार का विटामिन है, और वो कैसे है, तो ए बी सी डी ई के। ओके, ए बी सी डी ई के, ठीक है, ए बी सी डी ई तक तो ठीक है, लास्ट में के हो जाता है। ओके, अब आपको एक लाइन याद रखना है, रथ एक टॉफी। क्या, रथ एक टॉफी, रथ रथ एक एक टॉफी, ठीक है। इस तरीके से आप सीक्वेंस में याद रखेंगे और फिर एक लाइन याद रख लेंगे, रथ एक टॉफी। रथ मतलब सबसे स्टार्टिंग में रॉ है, मतलब वो विटामिन ए के लिए है, और रॉ मतलब क्या हुआ, रेटिनॉल। क्या हुआ, रेटिनॉल। विटामिन बी के लिए थ आ जाएगा तो थायमिन, क्या हो जाएगा, थायमिन। और विटामिन सी के लिए ए आ जाएगा, तो ए मतलब क्या हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। और डी में क आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई में ट आ जाएगा तो यानी टोकोफेरोल। और क्या, विटामिन के में फी आ जाएगा यानी फिलोक्विनोन। तो इस तरीके से आप रथ एक टॉफी वाली बात याद रख सकते हैं। आप कहां जहां भी पढ़ते हैं वहां पे आप इसको लिख करके, इस ट्रिक को लिख करके रख लीजिए, रथ एक टॉफी। रॉ माने विटामिन ए सबसे पहला है तो रेटिनॉल, थ माने विटामिन बी का नाम हो जाएगा थायमिन, ए माने क्या हो जाएगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, क मैंने क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, ट मतलब क्या हो जाएगा भैया, टेकोफेरॉल, और फिर क्या कहते हैं, फी मतलब क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। तो मेरे ख्याल से चीज़ें याद हो जाएगी कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ट्रिक पता चल गया, रथ एक टॉफी। सभी कोई कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए, रथ एक टॉफी किसका ट्रिक है, विटामिन का है, कि विटामिन ए बी सी डी ई के टोटल कंप्लीट नाम आपको चीज़ें ध्यान में हो जाएगी। आप इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाके उदित एकेडमी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, उदित एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे जाइए। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का भी तो रासायनिक नाम याद रखना है ना, विटामिन बी का रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। हमने बोला कि विटामिन बी भी टोटल 7 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, है ना, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 है। तो अब इसका भी नाम कैसे याद रख सकते हैं, तो थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, एक ट्रिक है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, तो थो माने क्या हुआ, थायमिन, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना है। रा माने क्या हुआ, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, क्लियर है।
अब हम लोग विटामिन B3 का आपको पता चल गया कि न्यू यानी निकोटिनामाइड या फिर नियासिन, ठीक है, नियासिन बोले या फिर निकोटीन बोले या फिर निकोटिनामाइड बोले, वो विटामिन 3 का रासायनिक नाम होता है। फिर विटामिन B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल यानी पेंटोथेनिक एसिड, और विटामिन B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, क्या हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B7 यानी ब, तो ब मतलब क्या बायोटिन, और सौ लास्ट में बचा सा तो साइनोकोबालामाइन, इस तरीके से विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो गया। तो आपको बस क्या याद रखना है कि ये एक लाइन याद रखना है, थोरा न्यू पेंट पर बसा, इससे विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थोरा न्यू पेंट पर बसा, थोड़ा के कहते हैं न्यू पेंट पर बसा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक चीज़ लाइन याद रखना है, रथ एक टॉफी जो कि विटामिन A2 से के कहते हैं के तक का है, ठीक है, विटामिन बी यानी थायमिन बोल रहा है, मतलब विटामिन B1 का बात कर रहे हैं वहाँ, ठीक है। चलिए अब हम मेरे ख्याल से आपको देखिए मैक्सिमम पोर्शन आपका 80% चांस है कि अगर विटामिन से क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपका रासायनिक नाम से रिलेटेड होगा। फिर 10% चांस है कि विटामिन से अगर क्वेश्चन आया तो वो आपके उसके कमी से होने वाले बीमारी के कारण आएगा, कि उसके कमी से होने वाला बीमारी क्या है, और 10% चांस है कि जैसे विटामिन का खोज कौन किया है, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। चार ऑप्शन दे देगा कि विटामिन B1 B2 B3 और क्या कहते हैं ए वो लास्ट में के दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो भैया विटामिन के क्या है, एक फैट सोल्यूबल है, तो वाटर सोल्यूबल कहाँ से हो जाएगा, तो आंसर विटामिन के हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, विटामिन के बारे में एक कम समय में मैक्सिमम नॉलेज देने की कोशिश करी हमने, क्योंकि फालतू चीज़ें नहीं ज़्यादा पढ़नी है, और आपको ये पूरा स्लाइड अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप इसका PDF जरूर ले लीजिए, टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF बस कुछ ही देर में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं कल का क्लास, कल हम लोग 2018 के मॉडल पेपर का Part 2 कवर करेंगे, ओके, फिर हम लोग कोई नया कॉन्सेप्ट मिलेगा तो नए कॉन्सेप्ट को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 2018 के Part 2 में, तो ओके बाय बाय, गुड नाइट सभी लोगों को।